आखिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही गए। रश्मि देसाई और उमर याज को जो बिग बॉस में नहीं करने को मिला, फाइनली हमने वो करवा दिया खतरा खतरा में, ऐसे बोलते हुए नजर आई। आखिर हुआ क्या था वो मोमेंट, शायद जिसने भी देखा होगा उसे बहुत ही अच्छा लगा होगा। ट्यूब के अंदर जाकर जिस तरीके से राउंड राउंड उन लोगों ने घूमा है ना, मज़ा आ गया। पहले तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, पर फिर उन्हें टास्क करना था तो ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आया, पर ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छा था। तो आपको बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा था कि आज का एपिसोड देखकर ये लगता है कि ये रियल जोड़ी नहीं है, रियल जोड़ी है। आपको क्या लगा? मुझे तो ये रियल कपल ही लग रहे थे, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा रश्मि देसाई का जो पास्ट रहा है रिलेशनशिप का, जिस तरीके से वो, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बात करना चाहूँगी यहाँ पे, उस वजह से थोड़ी सी वो कॉन्सियस रहती है अपनी रिलेशनशिप को लेकर। वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा वो अपने चीज़ों को बहुत खुल के जाहिर नहीं कर पाती है, थोड़ा इस मामले में वो रिजर्व है मुझे लगता है। बट ये मुझे रियल जोड़ी लगती है। एनीबडी वॉन्ट्स टू से एनी थिंग प्लीज़ नीचे कॉमेंट करिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।